भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है, क्योंकि अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह करोड़पति से सीधा करोड़पति बन जाता है, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह लड़का करोड़पति से बिल्कुल करोड़पति बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी ने नारी की एक ऐसी रचना है जिसे वह कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पथ भ्रष्ट हो जाए तो वह उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के यह अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। आइए जानते हैं क्या क्या होती है भाग्यशाली और अभाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर एक, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। नंबर दो, जिस लड़की का माथा तीन उंगली से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है तो उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कुल का नाम हमेशा रोशन करती हैं। नंबर तीन, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफेद भाग दूध के समान होता है तो ऐसी लड़कियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती है। नंबर चार, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती है। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। नंबर पाँच, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ व लालिमा लिए हुए होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती है। नंबर छह, जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफेद और आगे तरफ निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। नंबर सात, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल व लंबी पतली और मिलाने पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल कोमल ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। नंबर आठ, भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में चार अंगुल नाप की साफ तीन रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है और कमजोर गर्दन वाली स्त्री हमेशा गरीब होती है, किंतु लंबी गर्दन वाली स्त्री की बांझ होने की संभावना होती है तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भाहें ऊंची कोमल सूक्ष्म आपस में मिली हुई व धनुष के समान होती है वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। नंबर नौ, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो तो वे लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है
और अगर लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना गया है। नंबर 10, आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताई गई है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। नंबर 11, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान भूरा ना होकर बिल्कुल सफेद हो तो यह कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। नंबर 12, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते हैं तो वे भी भाग्यशाली होती हैं। नंबर 13, हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक। ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी व सफेद होती हैं तो ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद चंचल होती हैं। वे अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती हैं और पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करती हैं। नंबर 15, जिन लड़कियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ बहुत कोमल होती है तो ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि इनके अच्छे भाग्य के कारण परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 16, भाग्यशाली स्त्रियां वह होती हैं जिनके नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, मगर ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। यह तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। वह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और बेहद लकी भी होती हैं। नंबर 17, गोलाकार एड़ियां, जिन लड़कियों की एड़ियां कोमल और गोलाकार होती हैं वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इसके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। इसके अलावा जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो स्त्रियां बहुत शुभ मानी जाती हैं। नंबर 18, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क यानी त्रिकोण चिन्ह हो तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती हैं। साथ ही यह पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती हैं। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 19, अगर किसी स्त्री के बाल घने सीधे और लदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। नंबर 20, जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों की तलवों में गड्ढा नहीं होता यानी वह बिल्कुल फ्लैट हो तो वह काफी भाग्यशाली साबित होती हैं। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती हैं, जो लाइफ में कुछ नया करने का सोचती हैं तो उसे करके रहती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।